मंजप्पा उनके पास बहुत कलेक्शन, इतना मोटा एल्बम है और ऐसा कलेक्शन मैंने किसी के पास नहीं देखा। दोस्तों हम्पी से थोड़ा दूर, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा दूर आए हैं हम लोग। ये क्षेत्र है हरिहर और यहाँ पे है टेंपल प्राचीन और ऊपर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही यहाँ पे गज सुडुम है। लेकिन सुडुम यहाँ पे थोड़ा सा देखिए राक्षस जैसे ऐसे दांत निकाले हुए हैं, यहाँ पे सुडुम मिल रहा है, दिख रहा है। यहीं से तो परफेक्ट हो गए हम लोग। यहाँ पे भी हमारा अंश है, यहाँ पे भी हमारा इतिहास है। नवाना के ये बहुत ही जुड़े हुए हैं मंजप्पा जी। हाँ, ये इनके पास गुंडवाना साम्राज्य का राजकीय का बहुत बड़ा कैटलॉग है, कलेक्शन कलेक्शन। मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ओह, प्राचीन मंदिर है। क्या है इसका मिथ इस मंदिर हरिहर का मंदिर? और यहाँ पे फ्रंट में आपको राज चिन्ह मिला है। क्या बोले? ये विष्णु और शिव, हाँ, दोनों मिलके एक एक मंदिर है। हरिहर हरि और हरा दोनों मिलकर एक साथ में ये हो, हरी और हरा, विष्णु आनी एंड शिवा, शिवा या ये मिलके हैं इनका टेंपल, इसलिए हरी हरा हो गया जी। पुराने नाम, गांव का नाम है कुडलूर। कुडलूर, कुडलूर जी, पुराने गांव का नाम है। क्या है इसका निर्माण काल वगैरह? हाँ, ये बताएंगे, मैं बताऊं जी, बताइए। ऐसा थोड़ा ऐसा देते और बात करते, हाँ बात करते करते आप सवाल कीजिए राहुल। अपने पुराण काल में गुहा नामक एक राक्षस था, गुहा वो गुहा नाम राक्षस माने वो आदिवासी लोग थे। वो राक्षस का जो अंत करने के लिए ये शिव जी और विष्णु जी दोनों एक होकर उनको मार डाला, ऐसा कहानी है। लेकिन इसका पूरा नाम है गुहारण्य। भारत देश को, भारत खंड को दो भाग में बांटते हैं, एक दंडकारण्य, एक साउथ में गुहारण्य। ये गुहारण्य के साउथ के हीरो है ये गुहा नामक राक्षस, और उधर दंडक है ना, वो नाम का एक हीरो उत्तर भारत का है। ये पहले दो मिलता है नाम, भारत का पहला दो भाग है, एक दंडकारण्य एक गुहारण्य। ये गुहारण्य के हिस्ट्री का स्थान है ये मंदिर। और ये इसका पहला मंदिर निर्माण जो बादामी चालुक्य है ना, बादामी चालुक्य 550-540 इसके आसपास ये मंदिर निर्माण हुआ है। और बाद में वैसल राज, ये भी गोंडवाना के राजा है, वैसल राजा के काल में इसका जीर्णोद्धार हुआ है, रिबिल्ट हुआ है। और 1040 में इसका निर्माण हुआ है। पोलाड़वा नामक एक दंडनायक है, पोलाड़वा गोंडा उनका पूरा नाम है, वो राजा इसका निर्माण किया है। वो पोलाड़वा का मूर्ति भी अंदर है इतिहासकारों के अनुसार। ये हरिहर है, हरि और हरा अर्थात तो दो धर्म पंथ है ना, शैव पंथ और वैष्णव पंथ संगम है। ये गुहारण्य का हीरो है, यहाँ के स्थानीय इतिहास। और ये नदी भी इधर संगम, तुंगभद्रा रिवर है वो, दोनों संगम तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के साथ तुंगा, देखिए इधर का पहला नाम जो गुहारण्य में बाद नेक्स्ट नाम है कुडलूर। कुडलूर माने तीन नदियों का संगम है, तुंगा भद्रा और हरिद्रा नदी, ये तीनों का संगम स्थान है ये हरिहर। बाद में काशी है और आगे वो तुंगभद्रा करके चली गई। हाँ, कृष्णा नदी में जा मिलते हैं हम्पी के बाद। हाँ, आंध्र प्रदेश में जाता है। तो यहाँ पे राज्य चिन्ह, गोंडवाना राज्य चिन्ह कहाँ पर है? ये पहले पत्थर का था, पहले हाथी, हाथी को जो कब्जा करने का शेर जो बाघ ऊपर रहता है ना, वो पूरा ऊपर है। इसका जो पत्थर से बना हुआ था 1040 में 50 में, उसके बाद इसका मुगलों के आक्रमण से
नाश हुआ, बाद में अहल्याबाई होलकर उसके प्रतिरूप बनवाया है, लेकिन पूरा जो मूर्ति था उसको काट दिया था, लेकिन वही मूर्ति पत्थर का मूर्ति मिला है वो ऊपर रखा है, इसको देखेंगे अभी। बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर जाके लेंगे इसको। ये स्टार जैसे, ये कौन सी शैली है बोले? पहले ऊपर देखे, आप बोल रहे थे वही दारू जी के साथ साथ। और एक बात है, ये मंदिर का जो फाउंडेशन है ना, 5 फीट नीचे था, पूरा हाथी है, हाथी ये टेम्पल को ऊपर सिर के ऊपर रखा है ना, ऐसा इन्होंने टंका है, पूरा हाथी है इसको नीचे ये प्लेटफॉर्म ऊपर ऊपर पूरा हाथी है पूरा हाथी के ऊपर। अद्भुत 1024 की बात करेंगे, 2024 ये पूरा स्टोरी है ना। ये बताइए, ये मटका सेंधी क्या बोलते हैं, नशे आते हैं ना वो पेड़ से निकालते हैं नशे, वो काम करने वाले के स्टोरी है यहाँ। अच्छा, यहाँ नृत्यंगना भी है, नृत्य भी है, वाद्यों के साथ नृत्य कर रही है, नृत्य कर रहे हैं। 1024 का निर्माण, तो 40 तो आने वाले 2040 में इसको 1000 साल कंप्लीट हो जाएगी। 1040 में 1040 में 240 में 1000 साल का मानो क्या देखो। मंजप्पा जी, आपका जो अध्ययन है जी, तो ये जो सिंह दिखाते हैं जी, लेकिन यही फेस कट क्यों होता है, कुछ आपको पता है कि यही फेस कट क्यों ज्यादा यूज करते हैं? गुंगवाना किंगडम का जो बनाया हुआ है जी, जैसे मून सूल सर्री, 3 तोप निगाह हमने जो रॉक पेंटिंग देखी उसका भी यही है जी जी। तो आपके अंदाजे के हिसाब से ये फेस कट सारे जगह साउथ में यूज किया जाता है? जी जी जी, जो इसका है जो एक संस्कृति के नाश करने के लिए जो आए थे, हम हमारे अध्ययन के अनुसार डॉक्टर शंभा जोशी ने उसके बारे में ज्यादा बात बताते हैं, एक संस्कृति के नाश करने के जो आक्रमणकार होते हैं ना, उसको आक्रमण जो बंद करके वो आक्रमण से बचाने के लिए ये तैयार होते हैं। प्राचीन संस्कृति के जो नाश करने वाले थे वो नाश करने वाले से बचाने के लिए ऐसा रूप धारण किए हैं, ऐसा शंभा जोशी अपने अध्ययन में व्यक्त करते हैं। थोड़ा अंदर से शॉट लेके आता हूँ। शुभ की ये है और अशुभ को दूर करना, वही बताते हैं। तो इससे उन्नति होगी, शुभ की संकेत है समझते हैं। और जो बुरे नजर वाले दोस्तों, बहुत ही 1000 साल इसको कंप्लीट हो रहे हैं, 2040 में इस मंदिर को बहुत ही खूबसूरत है। 64 क्या सुंदर पिलर है, क्या फिनिशिंग है। आपको लगता है इसको देख के 1000 साल कंप्लीट हुए हैं, लेकिन हुए दोस्तों, हुए 1000 साल कंप्लीट हुए और 64 पिलर्स बताए जाते हैं। चलिए कैलकुलेशन के हिसाब से 64 को 4 भागों में डिवाइड किया जाए तो 16 आते हैं, यानी यहाँ पे 4 गर्भगृह निर्माण किए गए थे और 16 कंसेप्ट ही गोंडवाना में आता है। नौखंड सृष्टि 16 खंड धरती जो हम बात करते हैं तो उसी को कंसेप्ट में आता है। 16 16 16 16 16 32 32 32 64 ये भी है कंसेप्ट, बहुत खूबसूरत है यहाँ की। और ये पेन की मूर्ति है, जो भी पेन रहे होंगे, राजा है या उनके कोई, अभी ये अभी तो हम किसी पेन को ये नहीं कह सकते। चलिए चलिए अभी हम यहाँ नृत्य नृत्य होता था, यहाँ पर पेन शक्ति को मतलब नृत्य गान से आराधना करते थे, ये हाँ। कुछ लोगों का ख्याल है ये प्लेट है ना, थाली में नहीं खाते थे कुछ लोग सन्यासी साधु, ये पत्थर पर ही खाते थे, जैसे वो है ना उसके बारे में बताते हैं।
अभी हमारे गांव में भी वो प्रचलित है सिस्टम, भगवान के भोजन को पत्थर पर ही खाते हैं। ये तो कितना बारीक है, सूक्ष्म है, ज्यादा फाइन, बहुत ज्यादा फाइन है, फाइन काम के जैसा है ये। हाँ, तो ऐसा वर्क, इतना बारीक वर्क किया। संगे मरवर का पत्थर है? नहीं नहीं, पत्थर कुछ अलग क्वालिटी का है, संगे मरवर का है। बहुत ज्यादा फाइन है। ओहो, बहुत हजार साल हो गए, लेकिन उस साल जब बनाया गया बहुत विचार विमर्श करके बनाया गया। ये मूर्ति कौन सी, क्या नाम है? हरि हरि हरिहरेश्वर। अच्छा अच्छा, ये अर्धन हरेश्वर बोलते है ऐसा, आधा शिव होते सामने। ये कौन सा है मतलब, ये भी बताइए। ओरिजिन जगह है हरिहरेश्वर, यही है उद्भव लिंग रहता, पिंड पिंड है। हाँ, बाद में इसको उधर, हाँ, नंदियाल कुंदा जहाँ है उसके सामने पिंड होता है, वो ओरिजिनल है। ये भी पिंड है, और यहाँ पे सीधे बड़े वाले नंदियाल कुंदा है, ऊपर में हमें गतसुडुम नजर आ रहा है। चलिए और देखते हैं। बड़े बड़े मंदिर थे बाजू में, पार्वती मंदिर था राइट साइड, राइट साइड आधा भाग शिव जी है उसका पार्वती मंदिर, और लेफ्ट साइड विष्णु जी का, ये लक्ष्मी मंदिर उधर है। इतना बारीक कारागिरी है, दोस्तों आपको नहीं दिखाई दे रहा, ये जो बारीक दिख रहे हैं ये वाला, इसमें हाथी के ऊपर से सिंह सवार है, और पूरा ये जो है ना पूरा गोंडवाना का राज्य चिन्ह है, ये छोटा है, ये पूरा है। लेफ्ट में भी देखो राहुल जी, लेफ्ट लेफ्ट में, ओहो हो हो हो, पूरा सीरीज ही है यहाँ पे, खजाना ही है। अलग अलग मुद्रा है, हाँ हाँ, मुद्रा वो सुडुम की, अलग अलग वैरायटी में अलग अलग तरीके से, फिर भी एक ही नहीं। इंदौर बहुत जगह वैसे जब भी हो ना, आपके महाराज जी पहले पे होड़ करके हर एरिया में देखिए, ये हरिहर मंदिर का जो मंडप है उसके ऊपर का है, ये कहीं और था, इसको लाया गया, क्लियर कट है। ये हमारे हाथी और सुडुम, और हाथी के ऊपर सुडुम चढ़ रहा है, पूरा आप देख सकते हैं, पूरा गोंडवाना शासनकालीन प्रदेश है, हजार वर्ष पहले का है। हालांकि बाकी सभी धर्मों से भी ये प्रभावित है, शोध करने की बात है, ठीक है। वो इतना बड़ा यहाँ पे गोंडवाना साम्राज्य का चिन्ह मिलना, ये इंगित कर रहा है कि हमें और रिसर्च करना है और इसको साबित भी करना है। इस मंदिर के दोनों बाजू में यंसुडुम है, गतसुडुम है। विद्यमान गोंडवाना इंदा न जैसे व।
राजा राव नानवम शरण भूमि मावा राजा राव नानवम शरण भूमि मावा इदवर्व गडत दरबा साले कसात सलबा इदवर्व गडत दरबा साले कसात सलबा राजा महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा राजा महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा